उपद्रवी लोग जो था ना, उपद्रवी लोग आया वहाँ जुलूस लेके, वहाँ मुस्लिम के घर था, वहाँ बैरिकेडिंग किया हुआ था, और बैरिकेडिंग किया था, एक गुमटी था, गुमटी पर तोड़फोड़ करना चाह रहा था। वहाँ बच्चे लोग थे, हम लोग के बगल में भीड़ देखने वाला, वहाँ बच्चे लोग थे, उसको लाठी चला रहा था, भाला चला रहा था, उसको रोकने के लिए हम प्रयास किए, रोकने के लिए प्रयास किए, उपद्रवी लोग पुलिस पर ऐसे लाठी चलाने लगा और भाला चलाने लगा, जिसमें हमको एक भाला लग गया और माथा पर मारा, मारा सर पर मारा, सर पर चोट चोट आया है, इस माह में लगा, इसमें पूरा देखिए है, देख रहे हैं ना, इसमें लगा हुआ, सर पर लगा हुआ पूरा, अभी तक सर ऐसे चक्कर दे रहा है। इस सब का आरोप है जो पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई है, इसके विरोध में ऐसा हुआ है? पुलिस द्वारा लाठी नहीं चलाई गई है, उपद्रवी को बार बार समझाया जा रहा था कि किसी के क्षति, जान माल का क्षति नहीं हो, आप लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकालिए और उसमें लाठी भाला का प्रदर्शन मत कीजिए। आप देखिएगा कि वहाँ की इतने बाद लाइसेंस में भी नहीं है, कई तरह से रोक है, लाइसेंस में भी लाठी भाला का यूज किया गया है, और मुस्लिम लोग के घर पर भी ऐसी वहाँ तोड़फोड़ के लिए पुलिस रोक रही है, तो पुलिस पर लाठी बरसा रहा है। महावीरी झंडा में जो सदस्य लोग थे, इनका क्या पहल था, कुछ बचाव उचाव में? कुछ लोग जो शांति जुलूस में कुछ लोग थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी अधिकांश उपद्रवी थे। अच्छा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं ये समिति के लोग भी? नहीं, समिति के लोग का बहुत अच्छा रोल नहीं रहा है, लेकिन समिति के कुछ लोग हैं जो प्रयास कर रहे थे बचाने का, उसको कंट्रोल करने का, लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर था। समिति के एक आध लोग थे उसमें प्रयासरत, और बाकी लोग तो समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि समिति का कोई कंट्रोल नहीं था। और घायल में कितने लोग होंगे लगभग पुलिस पदाधिकारी की ओर से? घायल में तो हम तो खुद घायल हो गए, तो हम तो देखने नहीं गए, लेकिन चोटें बहुत लोगों की आई है, चोट तो बहुत लोगों की आई है। पुलिस हमारा बहुत अथी हुआ है, हमारा अथी बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो टूट गया है, वो बॉडी प्रोटेक्टर पर माला भारा लग गया, टूट के तब आके हमको भाला लगा है। अगर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं रहता तो सीना में हमको भाला लगता, हमारा हत्या हो जाता, कोई तो नहीं। इस संबंध में बड़े पदाधिकारी को सूचना आप लोग की है कि नहीं? बड़े पदाधिकारी तो वहाँ थे, सब देखे हैं, सुने हैं, अब सूचना करेंगे। अच्छा, उपद्रवियों के लिए कार्रवाई आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़े पदाधिकारी हैं, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अपना शुभ नाम बताया जाए? जितेंद्र कुमार सिंह, SI जितेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष पुलिस एसोसिएशन सीतामढ़ी।